इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मौजूद है जिनमें ये दावा किया जाता है कि मक्का मदीना असल में भगवान शिव का मंकेश्वर मंदिर है। तो क्या ये सच है? मक्का मदीना के अंदर भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है? क्या वहाँ पर रखा वो काला पत्थर असल में शिवलिंग है? और क्या उस काले पत्थर पर कोई हिंदू दूध चढ़ा देगा तो प्रलय आ जाएगा? आपने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वक्त पर आपको इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसमें ये दावा किया जाता है कि मक्का मदीना भगवान शिव से जुड़ा है और वहाँ पर मौजूद वो काला पत्थर कुछ और नहीं बल्कि शिवलिंग है। इतना ही नहीं बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि मक्का असल में भगवान शिव का मंकेश्वर मंदिर है, जो इतिहास में इस नाम से जाना जाता था लेकिन अब उसे मक्का कहा जाता है। और जो भी मुसलमान मक्का में मौजूद काबा के परिक्रमा करता है वो असल में भगवान शिव की पूजा करता है। इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले आइए जानते हैं कि इस्लाम धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है। एक इस्लामिक धार्मिक स्थल होने के कारण ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इस्लाम धर्म का इतिहास मक्का में मौजूद काबा को किस तरह से दिखाता है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि मक्का शुरू से ही एक ऐसा जगह था जहां पर खुदा यानी भगवान की पूजा की जाती थी, लेकिन इसका खास इतिहास हजरत इब्राहिम से जुड़ा हुआ है जिन्हें इस्लाम धर्म का पैगंबर माना जाता है। इस्लामिक कथाओं के अनुसार एक बार इब्राहिम के सपने में अल्लाह आते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। हजरत इब्राहिम के पास सबसे कीमती चीज उनका बेटा इस्माइल था जिसका जन्म बहुत ही मुश्किलों से हुआ था, वो भी तब जब हजरत इब्राहिम काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनका बेटा इस्माइल उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। हजरत इब्राहिम कभी भी अपने बेटे इस्माइल को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उनसे उसी की कुर्बानी मांगी थी जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। अपने पिता के मुंह को छोड़कर इब्राहिम ने अल्लाह की बात मान ली और अपने लाडले बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया और फिर इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए उसे मक्का के रास्ते ले गए, लेकिन तभी रास्ते में उनकी मुलाकात शैतान से हुई जो हजरत इब्राहिम को ये समझाने लगा कि अपने खुद के बेटे की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बुढ़ापे में यही बेटा उनके काम आएगा। शैतान ने हजरत इब्राहिम से तरह तरह की बातें की जिसके बाद इब्राहिम का मन डगमगाने लगा। इब्राहिम को बहुत ही वक्त के बाद बेटे का सुख मिला था और अब उनकी उम्र भी नहीं थी कि वो दूसरे बेटे को जन्म दे सके, इसलिए कुर्बानी का ये फैसला इब्राहिम को बहुत ही भारी लगने लगा। अपने डगमगाते मन के साथ इब्राहिम ने बहुत सोचा और फिर ये फैसला किया कि वो शैतान की बात नहीं मानेगा और अल्लाह की बात ही मानेगा, जिसके बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बानी वाली जगह पर लेटा दिया। लेकिन अपने हाथों से अपने बेटे को कुर्बान करना आसान नहीं था, इसलिए इब्राहिम ने पहले अपने बेटे को लेटा दिया और फिर अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, जिसके बाद उन्होंने अपनी चाकू निकाली और उसी से अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। कुर्बानी देने के बाद जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि सामने एक बकरा मौजूद था जिसकी कुर्बानी दी जा चुकी थी, वहीं उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत था। इस नज़ारे को देखकर हजरत इब्राहिम समझ गए कि अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहे थे जिसमें वो पूरी तरह से पास हो गए हैं। और यहीं से बकरी ईद की शुरुआत हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बकरी ईद में बकरी की कुर्बानी दी जाती है और इसी वक्त मक्का मदीना में हज की यात्रा की जाती है, जिसके लिए पूरी दुनिया से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सऊदी अरब के मक्का मदीना जाते हैं। हज की यात्रा करने के दौरान तीसरे दिन एक जगह पर पहुंचा जाता है जहां पर एक प्रतीक बनाया गया है जिसे शैतान का प्रतीक कहा जाता है। हर मुसलमान हज की यात्रा करने के दौरान यहाँ पर आकर पत्थर मारता है और ऐसा करना शैतान को पत्थर मारना कहा जाता है, क्योंकि शैतान ने हजरत इब्राहिम को भटकाने की कोशिश की थी, उन्हें अल्लाह के आदेश को मानने से रोका था, इसलिए हर मुसलमान वहीं पर शैतान को पत्थर मारता है ताकि कोई भी आकर उन्हें अल्लाह के हुक्म को मानने से मना ना करे। जब मुसलमान बकरी ईद के मौके पर मक्का मदीना में मौजूद काबा के परिक्रमा करते हैं तो उसे हज की यात्रा कही जाती है, और अगर वो बाकी किसी और दिन यहाँ पर आते हैं तो उसे उमरा कहा जाता है। तो ये है मक्का मदीना का वो इतिहास जिसके बारे में इस्लामिक धर्म में बताया जाता है। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि यहाँ पर पहले मक्का नहीं हुआ करता था, बल्कि जहाँ पर ये काबे की काली इमारत मौजूद है वहाँ पर मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। कई सारे इतिहासकार जो इस घटना के पहले आए थे, यानी पैगंबर मोहम्मद के जन्म के पहले जो लोग मक्का गए थे, अगर हम उनके द्वारा लिखी गई किताबों को खोलकर देखें तो उसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि यहाँ पर पहले मंकेश्वर मंदिर था। असल में हम इस बात को पूरी तरह से सच नहीं कह सकते हैं, और अगर कोई भी इस बात का दावा करता है तो उसे इस बात का प्रूफ देना होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जो ये कहता हो कि मक्का असल में मंकेश्वर मंदिर था। पर अब सवाल ये आता है कि वो काला पत्थर क्या है? क्या वो शिवलिंग है?
क्या काबा में भगवान शिव को कैद किया गया है? सबसे पहले उस पत्थर के बारे में बात करते हैं जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि वो शिवलिंग है। अगर हम उसके आकार को देखें तो ये दूर दूर से भी शिवलिंग की तरह नहीं लगता और इतिहास में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर दूध डाल देगा तो मुसलमानों के द्वारा कैद किए गए शिव जी आज़ाद हो जाएंगे, ऐसे में शायद इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर कोई शिवलिंग टूट जाता है तो उसे खंडित शिवलिंग कहा जाता है और उसकी कभी भी पूजा नहीं की जाती है और इसके आकार को आप कहीं से भी शिवलिंग नहीं कह सकते हैं। ऐसे में इतिहास में क्या हुआ जिसके बारे में बिना किसी सबूत के हम कुछ नहीं कह सकते हैं? यहाँ पर शिवलिंग मौजूद है या यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और अगर इन सारे बातों को किनारे कर दिया जाए तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भगवान शिव को कैद किया जा सकता है? भगवान शिव वो नाम है जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया और वही इस दुनिया को चलाते भी हैं, जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो पूरे यूनिवर्स को बना और एक सेकंड में बर्बाद भी कर सकती है। अब इस तरह के शक्तिशाली भगवान को कैद करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, फिर चाहे वो कोई भगवान हो, इंसान हो या कोई शैतान, क्योंकि भगवान शिव को काबू कर पाना खुद उनके बस में नहीं है, तो फिर इंसान तो दूर की बात है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक है निराकार रूप और दूसरा साकार रूप। साकार रूप में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, वहीं निराकार रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग को पहले से ही अंडाकार रूप में पूजा जाता है और उसे शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग में भगवान शिव बसे नहीं होते हैं, इसे सिर्फ प्रतीक के रूप में माना जाता है और भगवान सदाशिव तो बिना किसी आकार के पूरे सृष्टि में समाये हुए हैं, इसलिए उन्हें कैद कर पाने की बात किसी अफवाह से कम नहीं है। बाकी कल को कोई इंसान इस बात को आकर सच बताता है तो उसे इस बात का सबूत देना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या सोच है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।